अधिकृत सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह है। टीवी के चैनलों में जो खबर आई है उसके आधार पर लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। मुख्यमंत्री अभी अधिकृत सूचना आने के बाद ही मैं मेरे तरफ से कुछ बोलना उचित होगा। उनका आशीर्वाद मिला है, पार्टी के अंदर इस प्रकार का निर्णय जरूर हुआ होगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है। लेकिन लोगों की भावनाओं को मैं देख रहा हूं, उनकी बधाइयां स्वीकार कर रहा हूं, और आने वाले समय में आज के विधायक दल के नेता के रूप में डॉक्टर मोहन यादव जी का जिस तरह से नाम प्रस्तावित किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, केंद्रीय नेतृत्व का जो आशीर्वाद मिला है, सभी की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने में हम लोग आगे जब शपथ होगी तो मालूम पड़ेगा। अभी मेरे पास अधिकृत सूचना नहीं, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। अधिकृत सूचना आएगी तो जरूर मैं आपको बुला के बताऊंगा। विंध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। 2018 के चुनाव में जब हमें बहुमत नहीं मिला था तो भी विंध्य में 30 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और इस बार तो जब पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा में हो गया है तो 30 में 24 के बजाय 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद के रूप में जनता ने दिया है, और इसलिए विंध्य क्षेत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अब मध्य प्रदेश के विकास में, बिल्कुल पूरी पार्टी और पार्टी के साथ मैं भी 29 में 29 सीटें मोदी जी के झोली में डालने का काम मध्य प्रदेश की जनता करेगी, और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का जो मिशन है, जो पुराना सपना है, इसको पूरा किया जाएगा।